खबर है सूरत से। आपको जानकर आश्चर्य होगा लेकिन सच है कि सूरत में बिना किसी परमिशन या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के 250 के करीब डाइंग प्रोसेसिंग यूनिटें चल रहे हैं। बीते दिनों सूरत शहर में से डाइंग प्रोसेसिंग यूनिटों के शहरी क्षेत्र के बाहर ले जाने के लिए उद्यमियों ने सरकार से गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री को मिले प्रस्ताव के बाद राज्य के उद्योग विभाग द्वारा सूरत समेत शहरी क्षेत्रों में हानिकारक कचरा पैदा करने वाली कितनी इकाइयां चलाई जा रही हैं, उनका सर्वे कराया गया। सर्वे के संचालन में जिला उद्योग विभाग, मामलातदार, सूरत नगर निगम, निजी और सरकारी बिजली कंपनी, जीपीसीबी, जीएसटी विभाग सहित सरकारी एजेंसियों को लगाया गया था। इस बीच चौंकने वाली जानकारी सामने आई कि सूरत मनपा के उदना, कतारगाम, लिम्बायत, सेंट्रल और वराछा जोन में 242 अवैध डाइंग यूनिटें चल रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये डाइंग यूनिट जीएसटी के लिए पंजीकृत नहीं है। इसके अलावा उनके पास ईएएसआई, पीएफ, लेबर एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, गैस कनेक्शन, बॉयलर एक्ट और म्यूनिसिपल क्लर्क एक्ट लाइसेंस या एनओसी नहीं। इस तरह के आंकड़े सामने आने के बाद उद्योग विभाग को भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। लोगों में चर्चा है कि सूरत के शहरी इलाकों में ना केवल डाइंग यूनिट बल्कि हाई स्पीड बुनाई इकाइयां भी अवैध रूप से चल रही थी और सभी सरकारी एजेंसियों को इसकी पूरी जानकारी थी। शहरी क्षेत्रों में जीआईडीसी की परिधि में संचालित होने वाले अवैध डाइंग यूनिट को जीआईडीसीओ की इकाइयों की तरह से सदस्यता नहीं दी जाती है। नतीजन ऐसे अवैध रंगाई घरों के संचालक शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट जल को खाड़ियों और नगर पालिका के स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज में डंप करते हैं। वह कचरा तापी, मिंडोला, नदी या समुद्र में जाता है। मील मालिक अवैध मिनी बॉयलर वाले स्टैंडर चलाने के लिए रसोई गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। कपड़ों को 6 घंटे तक रंगने के लिए 8 से 10 गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर जमा हुआ सिलेंडर फट जाए तो बड़ा हादसा भी हो सकता है।